अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन, आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ चैनल सच की आवाज़। जैसा कि 29 जून को बकरीद आने वाली है, इसी के पेश नज़र शहर में सख्त इंतजाम किए गए हैं। ईद उल अधा के मौके पर आज 21 जून वेनेसडे को अत्तापुर पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग मुनक़द की गई। जानवरों की गाड़ियों की मुंतकली के मुताबिक चेक पोस्ट पर दुरुस्त दस्तावेज की मौजूदगी, जैसे वेटरनरी डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स के साथ, और गाय ना लाने पर गाड़ी को सीज्ड नहीं किया जाएगा। अगर इस रूल्स की खिलाफ वर्जी करें तो जानवरों की गाड़ी को सीज्ड किया जाएगा। इसी सब से मुतालिक आज ये मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें डीसीपी राजेंद्र नगर आर जगदीश्वर रेड्डी, एसीपी राजेंद्र नगर गंगाधर, अत्तापुर सर्कल इंस्पेक्टर यादगिरी भी मौजूद थे। इस दौरान डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने तमाम कुरैशी ब्रदर्स को समझाया कि हर साल की तरह इस साल भी अमन अमान के साथ ईद मनाई जाएगी। हमारे तेलंगाना जो गंगना जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, इसे हम बरकरार रखते हुए अमन अमान के साथ सभी त्यौहार मनाएंगे। आइए देखते हैं इस खसूस में इस मीटिंग के कुछ मनाजर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबर आज अपना आतापुर एरिया में जो बकरीद का जो ईद है, वो ईद के लिए जो क्या क्या अपन थोड़ा अच्छा प्रिकॉशंस लेना है, जो दूसरा आदमी को नजर नहीं होने के लिए अपन जो क्या क्या करना है वो पूरा करने के लिए अभी अपना राजनगर जोन का डीसीपी साहब जनाब श्री जगदीश्वर रेड्डी साहब आए हुए हैं। जो अपने सामने साहब अपना डीसीपी साहब है, और साथ में एसीपी साहब राजनगर का जनाब श्री गंगाधर साहब है। तो आप लोग ये बकरीद के बारे में थोड़ा क्या क्या आपको बताना है, जो आपसे जो कुछ रिप्रेजेंटेशन है तो वो भी आप लेने के लिए हम आज जो आज का मीटिंग जो लगाया तो है, जो ये मीटिंग में आप पूरा इन्वॉल्व होके जो साफ जो बताता है, जो बताने का जो प्रिकॉशंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है, और जो जैसे अपना पुलिस को क्या सपोर्ट करना है, अपने से क्या सपोर्ट लेना है, जो एरिया में कैसा रहना है सोसाइटी में, ये पूरा आपको जो मालूम करने के लिए, आपसे जान बूझ के पूरा बात करने के लिए साहब आज आए हुए हैं। तो आप लोग पूरा जो बात आपका बात सेक्शन सुन के जो अपना एरिया में और जो ज़्यादा कुरैशी लोग न्याय, क्योंकि जो बारिश आ रहा था अभी न्याय जो आए सो, और जो न्याय से वालों को भी आप लोग जो बता के जो अपना एरिया में जो आगे से कंटेनर का ईद है, वो ईद को अच्छा जो बना के जो बिना कुछ भी या अपने एरिया में कुछ मोहला नहाने के जैसा अच्छा मिलके जुल के रहने के लिए आप जो इंस्ट्रक्शन से पता थे, आप जो इंस्ट्रक्शन सुन के जो उनका डालते आगे बढ़ना उनके हम माता पिता कौंसिल की तरफ से बता रहे साहब। अभी डी सी पी साहब तो बात करते और उससे पहले आप कुछ जो बात करना है तो आप बात कर सकते। अपन ये गंगा जमुना फैशन है, अपन सब मिलके रहना है ये देश में। आप 29 तारीख को अपना आप लोग बकरीद सेलिब्रेशंस है, इसके सिलसिले में अपने को आप बोले सब ऐसा तकलीफ हो रहे जानवर को लाने में, वहाँ से जो आप खरीद करते वहाँ से यहाँ लाने में कई जगहों से अपने को जानवर आते, इसमें आप लोग दो तीन चीज़ याद रखना है। इसमें क्या होता, आपको जानवर कहाँ से ला रहे हैं उसको राहदारी चिट्ठी मिलता, आप बराबर राहदारी चिट्ठी लगा दीजिए। कोई आप बोले सो वैसा कोई अननोन आदमी रोके तो वहाँ पुलिस वाले भी इंटरसेप्ट हो गए, हमारा चेक पोस्ट भी लगाए। ये बीच में अगर कोई रुके हमारा पुलिस को 100 डायल को कॉल करो, हमारा लोग भी वहाँ अगर कहीं जगह आप पुलिस नहीं है आप 100 कॉल करें तो हमारा पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते दो तीन मिनट। सो उसके बावजूद भी अगर हमारा पुलिस वाले ये बकरीद को नज़रअंदाजा में हमारा रखते हुए अपना काटेदानी एरिया में एक अपना कैटल पॉइंट ओपन करे, आपको मालूम है नहीं मालूम है, आप मेरे को नहीं मालूम जी ना मालूम, हाँ मालूम है ना। अभी जो भी जानवर की गाड़ी आप पकड़ते हैं हम वहाँ बेच रहे हैं, आप गाय को कैसे तो भी नहीं ला रहे, आप गाय को नहीं ला रहे, और जो भी भैंस है जो भी है आप
ला रहे उसका राजधानी चीज बताना है। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है बोले तो हम भी खुद देखते हैं चेक पोस्ट में टहर के गाड़ी को पकड़े तो कोई नहीं रहता उसमें, ड्राइवर रहता, क्लीनर कभी रहता कभी नहीं रहता, वो पूरा सामने एक गाड़ी मॉनिटरिंग करके आता, वो गाड़ी भाग जाता। हमारे को कई इतने बार मैं खुद फील्ड में मैं पकड़ा, कहीं भी कोई चिट्ठी नहीं दिखा। 80-80 जानवरों को ऐसे डाल देते। एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के ऊपर हम जो भी है केस करके गौशाला में आप फिर बाद में कोर्ट को जाके अदालत को पेश करते, आप जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते आपको दे रहे हैं कोर्ट से। अगर ऐसा नहीं है, आप कुछ भी चिट्ठी नहीं है, आप जानवर को लेने जा रहे बोलो तो ये तकलीफ आ जाता। बराबर आप चिट्ठी लगा दीजिए, कोई नहीं रुकता। अगर डॉक्टर सर्टिफिकेट भी है आपको, ये वेटरनरी डॉक्टर सर्टिफाई करके मोड़ डालता, आप उसके लिए जरा एजुकेट करो अपने लोगों को। अपन कानून के हिसाब से हम कानून को इस्तेमाल करना है, आपको भी सेंसिटाइज करना है। आपको जो चीज़ नहीं मालूम आप बताना हमारा फर्ज है। इसलिए आपको कहीं ऐसा मीटिंग में कहीं बाहर भी मैं बहुत लोगों को उतार कहीं को भाग रहे भाई, आपको जानवर अगर खरीद करे आप सही खरीद करके आप जानवर को चिट्ठी रह जाओ वहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर का चिट्ठी है तो पूरा बता दो आप लेके जाओ। उसमें 60-80 घुसा के उसमें जान मर जाता, वो क्रुएल्टी एक्ट बनता। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आप ऐसा बोले 2-3 जानवर को एक गाड़ी में आप बुला बिल्कुल लेकर आया, इसके रिकॉर्ड्स रहना है। और अभी आप अपने को आने सवालों में और एक सवाल आता, आप पूरा बस्तियों में यहाँ पर अपना 9 नंबर जलाल बाबा नगर, हेमन पहाड़ी, हसन नगर, इंदिरा नगर, सुलेमान नगर, जो अपने जो एरिया से आप वो शास्त्रीपुरम वट्टेपल्ली, उसके बाद में अपने को अकबर हिल्स, सो यहाँ पर गोल्डन हाइट्स, जो भी एरिया से है वहाँ पर आप जानवर को बांधते। जरा राशि अच्छे तरीके से आप लोग क्या करते, उसको मैं गया वो लेके गया तो क्या बोलते हैं उसको टूट जाता वो चीज़ को आप रखना चाहिए। अगर कोई सिविलियन वहाँ पर आए अगर उसको क्वेश्चन करे तो हम हेलो नहीं करते ऐसा। वो कोई भी आदमी कानून को अपना हाथ में, या आप समझो कोई बाहर वाले समझो आप बोले सो वैसा, उसको भी केस में हम बुक कर रहे हैं। वैसा भी जो लोग गाड़ी को अगर रख नहीं है वो लोग अगर गाड़ी को इंटरसेप्ट करके रोके अगर आपको तकलीफ दिए वो लोग के ऊपर भी केस कर रहे हैं। हम केस के साथ हम अरेस्ट भी कर रहे और चार्जशीट भी कर रहे। जो भी कानून को अपना हाथ में लेते हैं वो लोगों को हम अच्छा हैंडल करने के लिए तैयार है, समझ गए। ये बात को आप ध्यान में रख दीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कर दीजिए, आपको बकरीद आराम से चल जाएगा। 19 तारीख के दिन जो बकरीद अभी आने वाले दिन में है उसके लिए आप कुछ भी तकलीफ है लोकल SHO को कॉल कर सकते हैं, आप ACP को कॉल कर सकते हैं, मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, हम अटेंड करने के लिए तैयार है। अभी रात के टाइम में मिडनाइट में 12-1 बजे को चोर वैसा लाना है जरूरत है, आप जब डॉक्यूमेंट है दिन के टाइम पे भी आराम से आ सकते हैं। आप कहीं भी चेक पोस्ट में हमारा पुलिस चेक पोस्ट भी है वहाँ पर आप बाज़ाब्ता रिसीट बसा सकते हैं, आप जानवर को ला सकते हैं डॉक्टर सर्टिफिकेट के साथ। अगर कोई भी गाड़ी का अब सर्टिफिकेट नहीं है आप जब का जब नहीं प्रोड्यूस कर रहे हम कैटल पॉइंट को ला रहे हैं वहाँ पर आपको 24 घंटे एक डॉक्टर को रख रहे हैं वेटरनरी डॉक्टर, वो जब का जब सर्टिफाई करेगा आप वो बाइस या जो भी है उसको अगर आप खरीद करें सो ऐसे चिट्ठी बता के डॉक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से वहाँ ले लेके आपका जानवर को आप ले सकते हैं। ये ध्यान में रखते हैं, पुलिस वाले को अच्छा सा आप कोऑपरेट कर लीजिए, हम आपके लिए कुछ भी आपको जो तकलीफ करता है हम उसका देख लेंगे, कानून के हिसाब से जो भी केस लगाना है हम लगाते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप भी कानून को अपने हाथ में ले लेना। वो GHMC वालों से भी लास्ट टाइम हम बात करके आपको फैलियाँ दिलाए, जब का जब फैली ला के रोड में फेंकना, ड्रेनेज में फेंकना, ये काम नहीं करना है, दूसरों को भी तकलीफ नहीं देना है। वह कोई गाड़ी में आता बाजार में फेंक के चले जाता वो क्या होता मालूम, आपको जितना कम्युनल की बात होता छोटे छोटे चीज़ आप जान में रखना चाहिए। एक कुत्ता है छोड़ा वो उसको लेके जाते कहीं आप मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं कहीं चर्च में कहीं डाल दिया, वो अलग जिस्म की
फैला दिया, ये चीज़ याद रखना चाहिए। अभी आप लोग जो भी है, आप कचरा निकलता है आपको डस्टबिन की सप्लाई कर रहे हैं, हम DHMC से बात कर रहे हैं, जितना भी हो सके तो उतना गाड़ियों को लगा रहे, एक्स्ट्रा लेबर को लगाओ बोले, वो पूरा आप लास्ट टाइम भी देखे होंगे बहुत अच्छा क्लीन करे। आप असर नगर को अपना चुरामबली से जाते तो देख भी नहीं सकते, आप रहने वाले आपको हम मालूम है, इसलिए आप अपना लोगों को भी जरा बोलते जाइए, ये इसके लिए पूरा अपना प्रीमाइसेस को क्लीन रखना चाहिए, वो अपना फर्ज है, आप लोगों का भी फर्ज है। सो पूरा अपना DHMC तैयार है, पूरा वो भी मीटिंग लगा रहे, वो लोगों के साथ में भी आपको क्लीनिंग एक्स्ट्रा व्हीकल्स लगा रहे, आपको एक्स्ट्रा बैगेज भी घर तक, अरे घर में बैगेज देंगे, सो वो बैगों में डाल के कहीं एक जगह आप रख दिए तो घर के सामने रख दिए तो भी लेके जाते, वैसा व्यवस्था करें हैं गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट फैसिलिटी को यूटिलाइज कर लीजिए, DHMC सर्विसेज को यूटिलाइज कीजिए और पूरा अपने को स्पीड अच्छा तरीके से ईजी हो जाता, ओके। कोई भटकाने वाले भटका के बात करे वो ध्यान में नहीं रखना चाहिए, वो पुराना वीडियोस सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ बता दे रहे, वो भी ध्यान में नहीं देना, कहाँ की वीडियो है, कौन लगाया, उसको माफी करा, उसको क्या करा, तो अपन कुछ भी कमेंट्स नहीं करना है अपना देश में।